ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़कर बेहतर रिजल्ट लाएंगे। मायावती के इस ऐलान से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में तीसरे घड़े का चुनावी मैदान में खड़ा होना समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान का काम करेगा। वहीं मायावती ने यह भी कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को नुकसान होता है। मायावती ने कहा कि गठबंधन से बसपा को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। हमारी पार्टी को धांधली की वजह से नुकसान ज्यादा होता है। स्वर्ण वोट बसपा पर ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के बाद उचित भागीदारी मिलने पर समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन यह समर्थन मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। मायावती ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों को फ्री राशन का झांसा दिया, राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। लोगों को रोजगार देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर अपना मोहताज बनाया जा रहा है। यूपी में हमारी योजनाओं की नकल की जा रही है, धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया था। अल्पसंख्यक, मुस्लिम, गरीब, किसान और मेहनत कश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। इन योजनाओं को सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर अपना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जातिवाद होने की वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है। हमने अपनी सरकार के दौरान वर्तमान सरकारों के जैसे लोगों को अपना मोहताज नहीं बनाया, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आड़ में राजनीति कर रही है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा के लोगों को गुमराह करने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदला है, उससे बसपा के लोगों को सतर्क रहना होगा। वहीं अपने राजनीति से संन्यास की खबरों को नकारते हुए मायावती ने कहा, मैं अंतिम सांस तक बसपा को मजबूत करने का काम करती रहूंगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।